ये है आयात और ये है कराची ब्रोस्ट की चटनी एक्सपर्ट, और आज ये मुझे बताएंगी कराची ब्रोस्ट एंजॉय करने का सही तरीका। खल्ली वल्ली सही तरीका। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस वक्त मैं कराची ब्रोस्ट की 10वीं ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में है। ऑलमोस्ट 40 साल की इनकी लेगेसी है, 20-25 साल से तो मैं खा रहा हूँ, और ये 10 ब्रांचें ऐसी नहीं हो जाती भाई। लोग 20-20 साल से खा रहे हैं, तभी मामला यहाँ तक पहुँचा, और वो कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा है, आए आपको दिखाता हूँ। कराची ब्रोस की यूनिकनेस उसका ओरिजिनल टेस्ट और चटनी तो है ही है, लेकिन असल गेम है प्रेशर फ्रायर, जिसमें ये पकाया जाता है, जो कि रेयरली कराची में रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं। और प्रेशर फ्रायर में पकी हुई चीज कम से कम ऑयल सोक करती है, जिससे टेस्ट प्रोमैक्स लेवल का हो जाता है। और ना सिर्फ ये, किचन की हाइजीन और रेसिपीज अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। आइए जरा आपको चेक कराता हूं। भाई साहब, दो क्वार्टर ब्रोस लगाइएगा, क्योंकि मैडम के मुताबिक अभी तक कराची ब्रोस का ऑप्टिमम टेस्ट लेवल तो हमने अचीव ही नहीं किया। बल्ली बल्ली यार, जल्दी कर ले भाई, भूख लगी। हाँ जी, तो ये आ गया है गर्मा गर्म कराची ब्रोस्ट, मेरा लेग पीस, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये आपका। और जैसे कि मैंने आप शुरू में बताया था, मिस आयात जो है कराची ब्रोस्ट की चटनी एक्सपर्ट है, और इनका ये मान, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, और ये आजकल के बच्चे, क्योंकि अब मैं उस एज पे आ गया हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, ये कह रही है, इनका ये क्लेम है कि आई हैव बीन ईटिंग इट रॉन्ग, मैं गलत खा रहा हूँ, इसका खाने का तरीका ही डिफरेंट है, और मैं बहुत जबरदस्त टेस्ट को मिस आउट कर रहा हूँ। तो वो क्या है, आप मुझे बताएं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। ओके भाई, ये है कराची ब्रोस्ट की दो चटनियाँ। आप ही कैसे खाते हैं? मैं हमेशा जो है भाई, मिर्चों से मेरा मजाक नहीं, क्योंकि मेरा हेलमेट फौरन गर्म हो जाता है, तो मिर्चें मैं रखता हूँ साइड पे, और मैं हमेशा व्हाइट सॉस में डिप करके खाता हूँ। ओके, बट क्या आपको पता था कि दोनों सॉसेज मिक्स हो सकते हैं? नहीं। एग्जैक्टली। देखें, आपने करना ये है कि आपने ली आपकी वाइट चटनी, जो आपको बहुत पसंद है, फिर आपने उसमें डाला मॉडर्न ट्विस्ट। ये है आजकल के बच्चे। ओके। या आपने इसके अंदर पूरा डालना है? नहीं नहीं नहीं, फिर? पूरा आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। आप उतना डालें जितना आपको लगता है कि आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर आपने लेना है फ्राई। ओके। इसको बनाना है चम्मच। ओके। इसको इसके अंदर डाल के यू जस्ट गिव इट अ स्टर। ओके। अब ये ट्राई करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल जाएंगे, ऐसा साथ। ओके, बहुत मिर्च है मगर है बहुत टेस्टी। देखा, फिर ऐसा खाना होता है? हाँ। मैं तो हमेशा ये फीकी फीकी चल रहा हूँ। तो आप तो 50% टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं ना, कराची ब्रोस्ट इस चटनी के मिक्सचर के बगैर अधूरी है। ओके, लेट मी ट्राई इट विद द ब्रोस्ट। यस। देखा, प्रो मैक्स हो गया भाई टेस्ट। Exactly. तो भाई, ये है कराची ब्रोस एंजॉय करने का सही तरीका। अगर आप ये टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, तो पूरे शहर में मौजूद 10 ब्रांचेस में जाके आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये टेस्ट एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो कराची ब्रोस का फ्रेंचाइज मॉडल मौजूद है, नीचे दिया हुआ लिंक है, इस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करें, और आप अपने शहर में कहीं भी कराची ब्रोस की ब्रांच खोल सकते हैं। खल्ली वल्ली यार, कराची का टेस्ट है, पूरे पाकिस्तान में फैलाना है, फ्रेंचाइज ओपन करें यार।